देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी ने प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम सुसाइड नोट लिख डाला। राजपुर रोड स्थित अपनी विवाहित बेटी के अपार्टमेंट में 8वें माले की बालकनी से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। नीचे गिरकर लहूलुहान हुए साहनी को गंभीर स्थिति में मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट व उनके बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर निवासी चर्चित अजय कुमार गुप्ता व उनके बहनोई अनिल गुप्ता के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को उनके देहरादून के करजन रोड स्थित आवास से हिरासत में ले लिया। लंबी पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साहनी इंफ्रास्ट्रक्चर व साहनी इंफ्रा के मालिक रेसकोर्स निवासी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी वर्तमान में सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट और राजपुर रोड पर अम्मा कैफे के पास दो आवासीय परियोजनाओं का निर्माण करा रहे थे। इसमें उनके दो पार्टनर थे। परियोजना का बजट काफी अधिक होने के कारण सत्येंद्र सिंह साहनी ने अपने परिचित भाजपा नेता बलजीत सोनी से संपर्क कर उनकी परियोजना के लिए किसी बड़े फाइनेंसर की तलाश करने को कहा। बलजीत सोनी ने उनकी मुलाकात सहारनपुर के चर्चित कारोबारी अनिल गुप्ता से कराई। चूंकि गुप्ता बंधु पूर्व में काफी विवादों में रह चुके हैं, ऐसे में सत्येंद्र सिंह साहनी ने शर्त रखी कि परियोजना में रकम लगाने के बावजूद वो ना तो निर्माण साइट पर आएंगे और ना ही अपना नाम परियोजना की पार्टनरशिप में सार्वजनिक करेंगे। दोनों में इसका लिखित समझौता हो गया। परियोजना पर आरोपितों ने कुल लागत की 85% धनराशि लगा दी। आरोप है कि इसके बाद समझौते का उल्लंघन करते हुए अजय कुमार गुप्ता ने परियोजना के कार्यों में हस्तक्षेप कर साइट पर आना जाना शुरू कर दिया। उन्होंने साइट पर अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपितों ने बिल्डर साहनी व उसके दो अन्य पार्टनर पर परियोजना उनके नाम पर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों अन्य पार्टनरों ने परियोजना से हाथ खींच लिए। आरोप है कि गुप्ता बंधुओं की धमकी से परेशान बिल्डर सत्येंद्र साहनी शुक्रवार की सुबह रेसकोर्स स्थित आवास से किसी को बिना बताए चले गए और अपनी बेटी के पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में पहुंचे। कुछ देर बेटी से बातचीत की और इसके बाद साहनी बालकनी में खड़े हो गए। इससे पहले बेटी कुछ समझ पाती साहनी ने छलांग लगा दी। पिता को नीचे गिरा देख बेटी वहां पहुंची और अन्य लोगों व सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें मैक्स अस्पताल ले गई, लेकिन चिकित्सकों ने साहनी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दी गई तहरीर में सत्येंद्र सिंह साहनी के बेटे रणबीर सिंह साहनी ने बताया कि उनके पिता को अनिल गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और इस संबंध में उन्होंने 16 मई को पुलिस में शिकायत भी दी थी। अनिल गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता उनके पिता पर दोनों परियोजनाएं उनके नाम करने का दबाव डाल रहे थे। आरोपियों ने परेशान करने के लिए सहारनपुर में उनके पिता के खिलाफ झूठी शिकायत भी दी थी, जिसमें सहारनपुर पुलिस लगातार उनके पिता को पूछताछ के लिए बुला रही थी। शुक्रवार को भी सहारनपुर पुलिस ने सत्येंद्र साहनी को पेश होने के लिए बुलाया था, जिस वजह से वो काफी घबराए हुए थे। आरोप है कि इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सुसाइड करने से पहले साहनी ने पीएम और सीएम के नाम दो पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोपितों से परियोजना को लेकर हुई डीलिंग और फिर विवाद का जिक्र किया है। नोट के अंत में उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा की अपील भी की है। देखिए जी, आज जो सानी बिल्डर्स हैं यहाँ के, इनके द्वारा जो है पैसिफिक गोल्फ जो है वहां पर आठवीं माले से जो इन्होंने कूद कर जान दे दी अपनी। चूंकि इस प्रकरण में एक इनके द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया गया था, जिसमें जांच चल रही थी और उसमें आरोप था कि जो इनका यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो गुप्ता बंधु यहां अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता है, उनके द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। चूंकि इस प्रकरण आया था, इसमें जांच अभी प्रचलित थी। इसी तरह की एक शिकायत विपक्षी ने, जो अभी जानकारी में आया था कि सहारनपुर में भी थी, जहां पर इनको बयान हेतु बुलाया जा रहा था और जिससे काफी ये आहत थे और परेशान थे, ये अपने दोस्तों मित्रों को इस तरह से बताया था इन्होंने। और इसी को लेकर कारण, चूंकि एक सुसाइड नोट मिला, सुसाइड करने से एकदम पहले इन्होंने वहां पर अपने दोस्त मित्रों को भी सुसाइड नोट शेयर किया और सुसाइड नोट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अनावश्यक दबाव डाला जा रहा था और कहीं ना कहीं जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। अभी उनके बेटे की तरफ से तहरीर थाना राजपुर में दी गई, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गुप्ता बंधु दोनों लोग को भी इसमें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और इसमें साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट में और किसी का नाम भी?
सुसाइड नोट में ऐसा जो मेन कहा जाए जो कल्प्रिट के रूप में दो ही नाम दिए गए हैं, बाकी कुछ इसमें नाम दिए गए हैं जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था, लेकिन कहीं उसमें डायरेक्टली किसी को इंगित नहीं किया गया, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अगर इसमें किसी अन्य की संलिप्तता भी आती है, कहीं और कोई कारण ऐसा बनता है जिस कारणों से इनके द्वारा ये आत्मघाती कदम उठाया गया है, तो नेचुरल सी बात है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।